वेस्ट बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट उपखंड में स्थित संदेश खाली इस वक्त पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। यहां किसानों की जमीन पर कब्जा करने से लेकर महिलाओं के साथ अत्याचार तक बड़े पैमाने पर लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। और इस तरह की हरकत को अंजाम देने के लिए यहां एक गैंग सक्रिय था जिसका सरगना वही शाहजहां शेख है, जिसने ईडी की टीम पर जानलेवा हमला करवाया था। इस मामले में दो आरोपी तो पहले ही पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अब तक फरार है। मुलजिम एक शाहजहां शेख टीएमसी नेता, संदेश खाली का मुख्य आरोपी अब तक फरार। मुलजिम दो शिबू हजारा टीएमसी नेता, 8 दिनों की पुलिस रिमांड। मुलजिम 3 उत्तम सरकार टीएमसी नेता। संदेश खाली मामले में गिरफ्तार पहला आरोपी। वेस्ट बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के इन तीनों नेताओं के इर्द गिर्द संदेश खाली का पूरा किस्सा जुड़ा हुआ है। इस सनसनी केस मामले में पुलिस ने अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल यही है कि इस मामले का असली कसूरवार शाहजहां शेख आखिर कहां है। बंगाल की पुलिस उसको तलाश क्यों नहीं कर पा रही है? क्या उसको कोई पनाह मिली है जो पनाह सियासी हो सकती है? बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि बंगाल की सियासत में अपराधियों को संरक्षण मिलना कोई पहली बात नहीं है। हिंसा यहाँ के डीएनए में दिखाई देती है। इस मामले में संदेश खाली के मामले ने पूरे देश में हड़कंप मचा रखा है। बवाल तेज हुआ तो टीएमसी सरकार पर हमला भी तेज हुआ। बीजेपी ने इसको जैसे मुद्दा बनाया तो पुलिस को भी हरकत में आना पड़ा। पहले उत्तम सरकार और उसके बाद शिबू हजारा को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मुख्य आरोपी शाहजहां शेख पकड़ से बाहर ही बना रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस का दावा है कि 6 फरवरी से पहले उसके पास कोई शिकायत नहीं आई थी। पुलिस की तरफ से 10 महिला अफसरों की एक SIT गठित कर दी गई। पुलिस तक पहुंची शिकायत के मुताबिक गरीब और मजबूर लोगों की जमीनों को हड़पने का आरोप है, लेकिन इल्जाम इससे भी ज्यादा संगीन है। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने जो आप बीती सुनाई उसे सुनकर आप कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उस किस्से को सुनकर आपका दिल दहल सकता है। महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर अत्याचार करने, यौन उत्पीड़न करने, जबरन जमीन कब्जाने जैसे आरोप लगाए हैं। एक महिला ने तो यहां तक कहा है कि टीएमसी के लोग गांव में घूम कर घर घर जाकर चेक करते हैं, सुंदर महिलाओं की तलाश करते हैं। इसके बाद घर में अगर कोई सुंदर महिला या लड़की दिख जाती है तो टीएमसी नेता शाहजहां शेख के लोग उसे अगवा कर ले जाते हैं। उसे पूरी रात अपने साथ पार्टी दफ्तर या किसी अन्य जगह पर रखकर हवस का शिकार बनाते हैं। अगले दिन उसके घर के सामने लाकर छोड़ जाते हैं। ये मामला जैसे ही सामने आया तो राज्यपाल ने तुरंत संज्ञान लिया और खुद संदेश खाली पहुंच गए। उन्होंने बताया कि संदेश खाली में जो हुआ वो होश उड़ा देने वाला है। बहरहाल महिला आयोग की टीम संदेश खाली का दौरा भी कर रही है। शाहजहां शेख बांग्लादेश की सीमा पर स्थित संदेश खाली में मछली का व्यवसाय करता है। वो 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा है। वो पहले ईंट भट्टे पर मजदूरी किया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने यूनियन में अपनी पैठ बना ली। साल 2004 में ईंट भट्टा यूनियन के नेता के रूप में राजनीति में कदम रखा। इसके बाद वो CPIM इकाई में शामिल हो गया। अपने उग्र भाषणों, संगठनात्मक कौशल की वजह से टीएमसी नेतृत्व का उसकी ओर ध्यान गया। तब तक वो संदेश खाली का भाई बन चुका था। साल 2012 में टीएमसी के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय और उत्तर 24 परगना टीएमसी जिला अध्यक्ष ज्योति प्रिया मलिक की मौजूदगी में वो टीएमसी में शामिल हो गया। टीएमसी सत्ता में आई तो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। साल 2018 में साइबेरिया अग्रघाटी ग्राम पंचायत के उपप्रमुख के रूप में पहचान मिली। वर्तमान में वो संदेश खाली टीएमसी इकाई का अध्यक्ष है। वो पारिवारिक और भूमि विवाद सुलझाने के लिए लोकप्रिय है। स्थानीय लोग उसका मसीहा और बाहुबली तक मानते हैं। लेकिन संदेश खाली वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित उत्तर 24 परगना जिले में बशीरहाट उपखंड में आती है। ये बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ इलाका है। यहाँ अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। पिछले महीने जब तृणमूल कांग्रेस के नेता टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर ईडी की टीम ने रेड मारी तो उसके इशारे पर लोगों ने ईडी की टीम पर ही हमला कर दिया था। उसके बाद से ही वो और संदेश खाली सुर्खियों में बना हुआ है। अब सवाल यह है कि वो पकड़ा कब जाएगा और उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा।